हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिशार सर और आज मैं आप सबके बीच लेके आया हूं टेक्नोलॉजी टर्म्स यू नीड टू नो, यानी कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी टर्म्स जिसको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपके जनरल लाइफ में ये सारे चीज़ आ सकते हैं, कभी कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम आएंगे, कभी कुछ छोटे छोटे टर्म्स हो सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज इसमें सीखने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ टर्म्स आप लोग अपने सिलेबस में पढ़े होंगे, कुछ टर्म्स आपके बुक में होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी टर्म्स होंगे जो आपके बुक में ना होंगे, ना आप जानते होंगे, या थोड़ा बहुत जानते होंगे, उसके बारे में आप डिटेल्स नहीं जानते होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग वही सारे टेक्नोलॉजी टर्म्स, वही सारे टेक्नोलॉजी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कौन कुछ सॉफ्टवेयर्स के नेम, कुछ टेक्नोलॉजी के टर्म्स होते हैं, वो सब चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? आप सब जानते हैं कि आज का समय जो है हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड समय है, हम सभी टेक्नोलॉजी के अंदर घिरे हुए हैं, तो इन सब चीज़ों का जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। और ये आप लोग अब इस स्टैंडर्ड में चले गए हैं, आपका जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं आप सबके लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो अच्छे तरीके से देखेंगे और सारे चीज़ को एक एक करके समझेंगे। मैं इस वीडियो को कोशिश करूँगा दो पार्ट में बनाने का, हाफ इस पार्ट में कवर करूँगा, हाफ अगले पार्ट में कवर करूँगा। और ये जो अरेंजमेंट मैंने किया है, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट मैंने किया है, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी टर्म्स है वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अरेंज है, यानी कि ए टू जेड बेस में अरेंज्ड है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। अब हमारा सबसे पहला टर्म है एडोब एक्रोबेट रीडर। अब एडोब एक्रोबेट रीडर क्या होता है? ये हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को व्यू करने के लिए या उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए अलाउ करता है, ठीक है। अब ये एडोब एक्रोकैट रीडर जो है वो एडोब कंपनी का एक प्रोडक्ट है। एडोब हमारा जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, जो कि हमारे पास कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड कराते हैं, कुछ डेटाबेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं, ये सारे चीज़ हमारे पास प्रोवाइड कराते हैं। और आपका जो एडोब एक्रोबेट रीडर है वो बिल्कुल फ्री है, यानी कि इसके लिए आपको, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको एक भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा है ADSL, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। हमारा अगला है ADSL, एसेमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एसेमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आपको चला आता है ब्रॉडबैंड इंडस्ट्री से, ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी से, यानी कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी से। इसका यूज़ हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए करते हैं, यानी कि इट यूज स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन टू डिलीवर हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन अप टू 24 मेगाबाइट पर सेकेंड। यानी कि हाई स्पीड डेटा जो कि 24 MB पर सेकेंड का जो डेटा होगा वो ASDL, यानी कि एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये हमारा एक तरह का ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है। हमेशा याद रखेंगे, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो हमारा होता है, इंटरनेट का एक कनेक्शन होता है, या तो वो वायर्ड के थ्रू होगा या फिर वायरलेस होगा, लेकिन मेनली जो हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है वो वायर्ड ही होता है, ठीक है। तो हमारा अगला टर्म जो है एनालॉग। एनालॉग क्या होता है? एनालॉग एक तरह का डेटा ट्रांसमिशन का एक मोड होता है, एक मेथड होता है, ठीक है। और जो हमारा स्टैंडर्ड लैंडलाइन टेलीफोन यूज एनालॉग टेक्नोलॉजी, जो हमारा लैंडलाइन टेक्नोलॉजी था, यानी कि आज के से कुछ समय पहले, 10 साल पहले, जो हमारा, जो आप देखते होंगे घर में जो फ़ोन हुआ करता था वो लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था, उस समय हमारा डेटा एनालॉग वे में पास किया जाता था। लेकिन अभी के समय में जो हमारा है, जैसे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी जब हमारे बीच में आया, तो हमारा डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन होता है। उस समय क्या था? एनालॉग डेटा था। अब हमारा क्या है? डिजिटल डेटा। यानी डिजिटल डेटा यानी कि उसको हम विजुअलाइज करते हैं अपने टेलीफोन में, यानी कि मोबाइल फ़ोन में हम लोग उसको विजुअलाइज करते हैं, देख पाते हैं कि हम किसको कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग वहाँ देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग अगले लाइन में पढ़ेंगे, इट इज़ डेसिनेट फ्रॉम डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि इसको डिजिटल टेक्नोलॉजी के द्वारा मतलब पीछे छोड़ा गया, ठीक है। डिजिटल टेक्नोलॉजी जब आया तब इसको छोड़ के हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाए। क्यों अपनाए? विच प्रोवाइड्स फॉर ग्रेटर क्वालिटी एंड स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि डेटा ट्रांसमिशन का हाई स्पीड और हाई क्वालिटी दोनों चीज़ों के लिए हम लोग इसको हम लोग अपनाए, ठीक है। अब हमारा अगला एक टेक्नोलॉजी है असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है उन लोगों के लिए जो डिजेबल पर्सन्स है, ठीक है, जो टाइप नहीं कर सकते हैं, जिनका हाथ नहीं है, जो कैपेबल नहीं है कुछ टाइप करने का, ये उनके लिए है। या
जो आदमी सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, उनको बोल नहीं पाते हैं वो चीज़, तो वो इनके लिए बनाया गया। ये क्या करता है, वॉइस टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, या टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी है, यानी जो भी आप टाइप करेंगे या आप जो बोलेंगे वो वहाँ पे टाइप हो जाएगा। जैसा कि आप लोग अपने फ़ोन में भी आप देख रहे होंगे गूगल वॉइस, गूगल वॉइस में जो कुछ भी हम बोलते हैं वो टाइप हो जाता है। सेम टू सेम हमारा असिस्टिव टेक्नोलॉजी उसी को फॉलो करते हुए गूगल वॉइस बनाया गया है। गूगल वॉइस जो हमारा असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाया गया है, जो कि टाइप करने के कैपेबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इस सॉफ्टवेयर को इनेबल करने के लिए, आप सब जानते होंगे, किसी भी सॉफ्टवेयर को मतलब हार्डवेयर जो होता है उसको इनेबल करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो हमारा असिस्टिव टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास एक हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग बोलेंगे माइक्रोफोन। हमारा माइक ही नहीं होगा तो हमारे वॉइस को कैसे लेगा वो, हमारे पास माइक्रोफोन होना चाहिए। और ये जो हमारे व्हील चेयर में भी लगाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों में इसका लगाया जाता है, ठीक है। अब हमारा आता है अटैचमेंट, आप सब इनसे फैमिलियर होंगे। अटैचमेंट क्या होता है, हम लोग अपने एग्जामिनेशन जब देते हैं तो वहाँ हम लोग बोलते हैं सर इस पेज को हमारे इस पेज के साथ अटैच कर दीजिए, यानी कि उस पर्टिकुलर जो हमारा पेज मिला होता है उसके साथ इसको जोड़ देना होता है, ठीक है। हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं कि हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम मेल कर रहे हैं, ठीक है, मेल के साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स हम भेजना चाहते हैं, कोई PDF भेजना चाहते हैं, कोई एक्सेल फाइल भेजना चाहते हैं, कोई वर्ड फाइल भेजना चाहते हैं, कोई इमेज फाइल भेजना चाहते हैं, या कुछ भी तरह का फाइल हम लोग सेंड करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे उस मेल के साथ वहाँ अटैचमेंट में उसको ऐड कर देंगे। यानी कि हम कुछ लिखेंगे भी और साथ साथ हमारा PDF फाइल भी जाएगा, एक्सेल फाइल भी जाएगा, या जो भी फाइल होगा वो हम लोग उसको अटैच करके भेज देंगे, ठीक है। वी वेरी ऑफ अटैचिंग लार्ज फाइल बिकॉज दीज कैन टेक ए लॉट्स ऑफ टाइम फॉर रिसिपेंट टू डाउनलोड, ठीक है। हम लोग को हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि कोई बड़ा फाइल हम लोग अटैच ना करें। अटैच करने से क्या होगा, बड़ा फाइल अटैच करेंगे तो जो सामने वाला पर्सन है जिसके पास हम भेजेंगे उसको डाउनलोड करने में बहुत सारा समय लग जाता है। जो मान लेते हैं कि हम आपको व्हाट्सएप पे ही 2 मिनट के लिए सोचिए कि व्हाट्सएप पे कोई लार्ज फाइल भेजते हैं, मान लेते हैं कि हालांकि वीडियोस तो 17 MB से ज़्यादा का जाता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि वो हम 200 MB का भेज दिए, ठीक है। तो आपको डाउनलोड करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा, लेकिन हम छोटा फाइल भेजें, अगर 1 MB का फाइल भेजेंगे तो बहुत आसानी से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू हैव अ लार्ज फाइल, अगर आपके पास बहुत बड़ा फाइल है तो हम लोग उस फाइल को क्या करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से। कुछ सॉफ्टवेयर हमारे पास है जो कि कॉम्प्रेसिंग का काम करते हैं, यानी कि उसका साइज़ छोटा कर देने का काम करते हैं। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो है विन जीप। सॉफ्टवेयर का नाम है विन जीप, इसका काम करता है ये हमारे फाइल को जीप फाइल में कन्वर्ट करता है, ताकि हमारा फाइल का साइज छोटा हो जाए और आसानी से हम किसी को भेज पाए, ठीक है। अगला जो हमारा है बैकएंड, बैकएंड कहने का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या कहेंगे, हमारे बैकएंड से दूसरा आदमी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पीछे कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा बैकएंड, समझने की बात है, जैसे कि हम लोग अभी कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं तो उस वेबसाइट से कुछ ना कुछ डेटा तो आपसे जैसे कि मांगा जाता है, अपना नाम डालिए, अपना फ़ोन नंबर डालिए, अपने फादर्स का नाम डालिए, अपने फ़ोटोज़ डालिए, या कुछ भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालिए, तो ये डेटा क्या उस फॉर्म पर रह जाता है क्या, नहीं, वो डेटा कहीं ना कहीं डेटाबेस में जाके सेव होता है। तो वो डेटाबेस कहाँ होता है, हमारे हमारे आगे तो दिखाई नहीं देता है, हमारे पास कोई कंटेनर तो नहीं दिखाई देता है, हमारे सॉफ्टवेयर में या वेबसाइट में कोई कंटेनर तो नहीं दिखा, डब्बा टाइप का तो नहीं दिखता है कि वहाँ जाके डेटा मेरा स्टोर हो जाए। तो वो जो डेटा है हमारा बैकएंड में किसी न किसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में जाके सेव होता है। जब आप वेबसाइट डिजाइनिंग करोगे, जब आप लोग लगभग 10th के बच्चे लोग अगर कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट होगा उनको, तो 10th में वेबसाइट डिजाइनिंग है, ठीक है, तो उनमें जाके वो लोग वेबसाइट डिजाइनिंग जब करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे कि बैकएंड में हम लोग लेते हैं एसक्यूएल सर्वर। एसक्यूएल सर्वर हमारा एक तरह का डेटाबेस है, या 7-8 में आप लोग पढ़े होंगे RDBMS या DBMS, ये सारे कुछ पढ़े होंगे आप लोग, तो ये हमारे कुछ डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स हैं। वहाँ फॉक्स प्रो हमारा एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे जाके हम लोग बैकएंड से उसको सपोर्ट देते हैं। बैकएंड से क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं ताकि वो हमारे डेटा को स्टोर कर पाए, किसी 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 न किसी कंटेनर में ये कर पाए, ठीक है, सेव कर पाए हमारे डेटा को, ठीक है, बस उसी तरह से हमको काम करना है, ठीक है। अगला जो हमारा है बैकवर्ड कॉम्पिटिबल, बैकवर्ड कॉम्पिटिबल जो होता है उसका क्या काम होता है कि जो हमारे पुराने वर्जन्स होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं इसमें आपके जो PDF मैंने आपके सामने आपको जो भेजा हुआ है,
इस पीडीएफ में आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 का या 2010 का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो मैं आपको कोशिश करूँगा इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। हम लोग क्या जानेंगे, बैकवर्ड कंपेटेबल का मतलब क्या होता है कि पीछे वाला जो भी वर्जन है वो नए वाले के साथ सपोर्ट में है। आप सब जानते हैं कि आपके मोबाइल फ़ोन में भी कुछ टेक्नोलॉजी अपडेट आते रहते हैं, कुछ न किसी एप्लीकेशन का अपडेट आता है, सॉफ्टवेयर सब अपडेट आते हैं। तो वो क्यों अपडेट आता है? कुछ ना कुछ नया इम्प्रूवमेंट आने के लिए। तो क्या जब हमारे पास अपडेट आता है तो क्या पहले जो होता था वो चीज़ ना हो कुछ नया होने लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, पहले जो था वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ एडिशनल फीचर हमारे साथ अटैच आ जाएंगे। ठीक है, कुछ एडिशनल फीचर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हो सकता है कि पहले हमारे पास फीचर नहीं था, व्हाट्सएप नहीं चलता था, लेकिन बाकी काम तो होते थे पहले। अभी देख लीजिए, अभी एक नया टेक्नोलॉजी अपडेट आया, मैं आपको अभी करंट का एग्जाम्पल देता हूँ। पहले व्हाट्सएप में क्या हुआ करता था, चार आदमी ही ग्रुप वीडियो कॉल पर ऐड हो सकते थे। ठीक है, तो क्या है कि अब जो नया अपडेट आया है उसमें हम लोग आठ आदमी को ऐड कर सकते हैं। अपडेट आया है, लेकिन पहले जो काम होता था चार भी ऐड हो सकता है, आठ भी ऐड हो सकता है, लेकिन आठ से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि पहले वाला जो चीज़ है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन कुछ नया भी उसके साथ ऐड हो जाएगा। यानी कि बैकवर्ड कंपेटिबल पहले वाला जो है वो नए वाले सॉफ्टवेयर में अटैच होके काम करेगा। यानी कि जो हो सकता है 2010 का जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस वर्जन है उसके साथ साथ हम लोग 2003 का फाइल भी अगर उस पर हम खोलेंगे तो खुल जाएगा। यानी कि पीछे का जो वर्जन उसको भी सपोर्ट करेगा वो। ठीक है, अगला हमारा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ हम लोग क्या बोलते हैं कि आज के डेट में हम लोग बोलते हैं कि अरे यार इंटरनेट का स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है। तो क्या हम लोग इंटरनेट के स्पीड को बैंडविड्थ के नाम से बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम अपने इंटरनेट के स्पीड को बैंडविड्थ ही बोलते हैं। हमारा इंटरनेट स्पीड बैंडविड्थ ही बोला जाता है। यानी कि डेटा ट्रांसमिशन आपका किस अमाउंट में हो रहा है उसको हम लोग, डेटा कम्युनिकेशन किस अमाउंट में हो रहा है उसको हम लोग बैंडविड्थ बोलेंगे। किस रेशियो से आप डेटा को सेंड या रिसीव कर पा रहे हो उसको हम लोग बैंडविड्थ बोलेंगे। डेटा स्पीड को हमेशा बैंडविड्थ बोला जाए। अगर हम बोलें डेटा स्पीड तो इक्वल टू बैंडविड्थ, या अगर बैंडविड्थ बोले कोई तो उसको समझेंगे हम लोग हमेशा क्या समझेंगे, डेटा स्पीड। ठीक है, अगला जो हमारा है बिट। आप सब बाइनरी नंबर पढ़े होंगे, आई थिंक क्लास 8 में बाइनरी नंबर पढ़ना है आप सबको। बाइनरी नंबर में आप लोग जाने होंगे बिट क्या होता है। ठीक है, अ बिट शॉर्ट ऑफ बाइनरी डिजिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन कंप्यूटिंग। यानी कि कंप्यूटिंग में सबसे छोटा, कंप्यूटर साइंस का सबसे छोटा अगर यूनिट माना जाए, अगर साइज माना जाए तो हमारा बिट होता है। ठीक है, 8 बिट मेक अप 1 बाइट। यानी कि 8 बिट्स जो हमारे होते हैं, 8 बिट मिलके हमारा 1 बाइट ऑफ डेटा बनाते हैं। अब हम लोग आते हैं 1024 बाइट ऑफ डेटा कितना होता है। 1024 बाइट ऑफ डेटा 1 किलो बाइट ऑफ डेटा होता है। ठीक है, तो वैसे सोच सकते हैं आप, 1024 बाइट ऑफ डेटा इज 1 किलो बाइट, देन 8 बिट्स कितना छोटा डेटा होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारे कंप्यूटर साइंस का बाइनरी डिजिट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट, इससे छोटा कंप्यूटर साइंस में नहीं हो सकता है डेटा। ठीक है, अगला जो हमारा है ब्लूटूथ। आप सब अच्छे तरीके से फैमिलियर होंगे, अभी आप लोग आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का यूज कर रहे होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का यूज कर रहे होंगे, वहाँ आपसे एक्सेस मांगता है ब्लूटूथ का। या आप ऐसे भी वायरलेस हेडफोन, वायरलेस ईयरफोन या बहुत सारे वायरलेस डिवाइसेस का यूज कर रहे होंगे, क्या वो कैसे काम करता है? ब्लूटूथ के थ्रू काम करता है। तो हमारा ब्लूटूथ एक ट्रांसमिशन मीडियम है, कम्युनिकेशन का मीडियम है, एक टेक्नोलॉजी मीडियम है जो कि वायरलेस काम करता है, जो कि किसको रिप्लेस करता है, केबल्स। यानी कि जो काम हम पहले केबल के थ्रू किया करते थे अब हम लोग ब्लूटूथ के माध्यम से उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, इट अलाउज शॉर्ट रेंज कनेक्शन बिटवीन टू और मोर ब्लूटूथ कंपेटेबल डिवाइस सच एज मोबाइल फोन्स, टेबलेट, हैंडसेट एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो हमारा जो ब्लूटूथ है, हमारा ब्लूटूथ कैसे काम करता है, हमारा ब्लूटूथ मतलब सेम सिमिलर डिवाइस है। यानी कि दो डिवाइस में अगर ब्लूटूथ है तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो सकता है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है, बहुत खास ड्रॉबैक है और समझने लायक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि इसका रेंज बहुत ही कम होता है। यानी कि कुछ पर्टिकुलर 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर के आसपास ही इसका रेंज होता है। किस तरह का डिवाइस है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो 10 से 15 मीटर का रेंज होता है, लेकिन कोई बड़ा डिवाइस आपके पास है तो उसका रेंज थोड़ा 15 से 20 मीटर तक का भी होता है।
तो हमारा ब्लूटूथ के बारे में आप सब काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करना मुझे नहीं लगता है कि उचित है। ठीक है, अगला जो हमारा है बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है? ए बुक मार्क इज सेव्ड लिंक टू ए पर्टिकुलर वेब पेज, यानी कि एक सेव्ड लिंक होता है, यानी कि हो सकता है कि बहुत सारे, मान लेते हैं फेसबुक हमें बहुत पसंद है, बार बार facebook.com ना हम टाइप करके एक बुक मार्क बना लेंगे, वहाँ facebook.com का URL डाल देंगे और वहाँ सेव कर देंगे, तो हमारा वो हमेशा वहाँ शो करेगा, जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे हमारा facebook.com खुल के आ जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर डोनेट्स बुक मार्क एज फेवरेट। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है कुछ बुक मार्क्स ऑटोमेटिक क्रिएट करता है, यानी कि कुछ हमेशा बना के रखता है, जिसको हम लोग फेवरेट नाम से वो डाल के रखता है, यानी कि जो वेबसाइट आप सबसे ज़्यादा बार विजिट किए रहेंगे वो आपके वहाँ पे बुक मार्क में दिखाई देगा। हम लोग उसका भी यूज कर सकते हैं या फिर अपने अकॉर्डिंग बुक मार्क्स खुद ही बना सकते हैं। हो सकता है कि मुझे मेल सर्विसेज़ का ज़्यादा यूज पड़ता है, ज़्यादा काम पड़ता है, तो हम लोग मेल सर्विसेज़ का gmail.com ना टाइप करके एक gmail.com का एक बुक मार्क बना लेंगे, और जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे वो हमारा खुल जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा बूलियन ऑपरेटर्स। ये सब काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग जानते होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, एंड और नॉट, ये तीनों हमारे बूलियन ऑपरेटर्स हैं। मोस्ट सर्च इंजन अलाउ यू टू लिमिट सर्च और मेक इट मोर स्पेसिफाई बाई यूजिंग वर्ड सच एज एंड और नॉट, यानी कि एंड और या नॉट, तीनों हमारे बुलियन ऑपरेटर्स है, और काफ़ी जो हमारे सर्च इंजन है वो इसी ऑपरेशन पे काम करते हैं, बुलियन ऑपरेटर्स पे काम करते हैं। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं एंड के साथ यूज करते हैं पटना एंड दिल्ली, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? पटना के साथ साथ दिल्ली दोनों का वेदर हमें जाना, मान लेते हैं वेदर ऑफ पटना एंड दिल्ली, निष्कर्ष ये निकलता है पटना के साथ साथ हमें दिल्ली का भी वेदर जानना है। लेकिन अगर हम लोग और का यूज करेंगे वेदर ऑफ पटना और दिल्ली, तो यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि या तो आप पटना का वेदर बताइए नहीं तो आप दिल्ली का बताइए। अब यहाँ पे अगला टर्म है नॉट, वेदर पटना नॉट दिल्ली, इसके क्या निष्कर्ष निकलेगा? पटना का नहीं बताना है, दिल्ली का बताना है, यानी कि जो पहले वाला होगा नॉट से पहले होगा उसको हटा के जो नेक्स्ट नॉट के बाद जो होगा उसको यूज किया जाएगा। तो हमारा नॉट इस तरह से काम करता है, और एंड इस सब के बारे में मैंने क्लास में भी डिस्कस किया, आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे होंगे। हमारा ये सब बुलियन ऑपरेटर्स है, दीज वर्ड्स आर नोन एज बुलियन ऑपरेटर बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन एज टर्म्स ऑफ लॉजिक। इसके कुछ लॉजिक जो मैंने अभी आपको बताया, इस लॉजिक के टर्म से ही हमारे बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, हमारा है नेक्स्ट बूट और रीबूट। अब एक चीज़ सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे, बूट का मतलब क्या होता है? बूट का मतलब होता है लोडिंग योर प्रोग्राम, लोडिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर मेमोरी। बूट का मतलब होता है लोडिंग योर प्रोग्राम और लोडिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम इन योर कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर ऑन होने के प्रोसेस को भी हम लोग बूटिंग बोलते हैं। ऑन होने में क्या क्या प्रोसेस होता है? हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मेमोरी में जाकर लोड होता है, बूट हमारा कंप्यूटर जो स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को बूटिंग बोलेंगे, लोड होने के प्रोसेस को भी हम लोग बूटिंग ही बोलेंगे। हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्ट हो रहा है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे मेमोरी में लोड हो रहा है। ठीक है, थिंक ऑफ इट एज स्टार्टिंग अप योर कंप्यूटर, ये लिखा भी है यहाँ पे, थिंक ऑफ इट एज स्टार्टिंग अप योर कंप्यूटर, यानी कि आप इसे अपने कंप्यूटर के स्टार्टिंग होने के प्रोसेस को भी समझ सकते हैं। ठीक है, इन विंडोज यू कैन यूज की कॉम्बिनेशन कंट्रोल एंड अल्ट एंड डिलीट एज अ सॉफ्ट बूट। हम लोग सॉफ्ट बूट कराने के लिए कंट्रोल अल्ट या डिलीट बटन का भी यूज करते हैं। अब सॉफ्ट बूट और हार्ड बूट क्या होता है ये आप लोगों को बताना अभी मुश्किल है, क्योंकि आप लोग अभी टेक्नोलॉजी से उतने ज़्यादा अटैच नहीं हुए हैं। आप पहले बेसिक जानिए, सॉफ्ट बूट और हार्ड बूट पहले ये जान लेंगे, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा आपको फिर से बताने का। बहुत ही बेसिक टर्म है, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अभी बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए कुछ दिन वेट कीजिए। ठीक है, दिस मीन्स रिस्टार्टिंग द कंप्यूटर रैदर देन टर्निंग इट कम्प्लीटली ऑफ एंड वंस अगेन ऑन अगेन। इसका मतलब होता है कि आप अपने कंप्यूटर को बिना पूरी तरह से ऑफ किए हुए, हमारा कंप्यूटर दो तरह से बंद हो सकता है, ये बात हमेशा याद रखेंगे, हमारा कंप्यूटर फुल्ली बंद हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हमारे कुछ हार्डवेयर ऑन रहेंगे, हो सकता है कि हमारा हार्ड डिस्क रैम ऑन रहेगा लेकिन बाकी जितने डिवाइसेस है वो सारे हमारे स्क्रीन हो गए हैं, प्रोसेसर्स हो गए हैं, ये सारे कुछ बंद हो जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है, हमेशा याद रखेंगे। कुछ डिटेल यहाँ मैंने कुछ कोशिश किया लिखने का ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक लाइन लिख दिया हूँ, विच कुड कॉज डैमेज टू योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क अंडर सम
सर्कमस्टांसेस। इससे क्या हो सकता है कि आपके कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है या भी अदर डिवाइसेस है, वो हार्म होने की चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। हार्म इसलिए हो सकता है कि हमारा कंप्यूटर, आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, यानी पावर पे चलता है। तो अगर मान लेते हैं कुछ डिवाइसेस हमारे ऑफ हो जाएंगे, तो सारा पावर एक डिवाइस पे जाके टिकेगा, सारा अटैक एक डिवाइस पे होगा, तो हमारा कोई डिवाइस खराब भी हो सकता है। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करेंगे अपने कंप्यूटर का सॉफ्ट बूट करने का, हार्ड बूट नहीं करेंगे हम लोग कभी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है बाउंस बैक, बाउंस बैक का मतलब क्या होता है? ईमेल सर्विसेज आप में से लगभग सारे आदमी यूज करते होंगे। होता क्या है, जब आपका ईमेल आईडी गलत हो, मान लेते हैं कि abc@gmail.com हमारा एक ईमेल आईडी है, मान लेते हैं कि हम इस पर एक मेल भेजते हैं, हमारा ये ईमेल आईडी बना ही नहीं है आज तक, गूगल के अकाउंट पे हमारा ईमेल आईडी बना ही नहीं है। अगर हम इस पर मेल करते हैं तो हमारा ये बाउंस बैक मेल आ जाएगा, यानी कि हमारे पास एक नोटिफिकेशन आएगा, एक रिटर्न मेल हमारे पास आएगा, जो कि एरर जनरेट करेगा कि आपका ये जो एड्रेस है, मेल एड्रेस है, वो है ही नहीं, वो कहीं पाया ही नहीं गया है। तो हमारा उसको हम लोग बाउंस बैक बोलेंगे, यानी कि अगर जब गलत हो तुरंत उधर से नोटिफिकेशन हमारे पास एरर का है, ठीक है, जो आपको बताए कि ये भाई, ये आपका जो मेल एड्रेस है वो सही नहीं है, वो गलत है, ठीक है। अगला जो हमारा है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड नाम तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सुना होगा ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड में आप लोग सुने होंगे सिर्फ इंटरनेट कम्युनिकेशन के बारे में, लेकिन ब्रॉडबैंड हम लोग सिर्फ इंटरनेट को ही नहीं बोल सकते हैं, हमारे केबल टीवी जो होते हैं वो भी ब्रॉडबैंड के ऊपर काम करते हैं। ब्रॉडबैंड का काम क्या होता है, किसी वायर के थ्रू, सिंगल वायर के थ्रू मल्टीपल यूजर्स को, बहुत सारे यूजर को ऑडियो, वीडियो, इंटरनेट, केबल, ये सारे चीज़ों को पहुंचाना, डेटा ट्रांसमिशन करना। आप सब देखते होंगे कि एक तार आता है, केबल टीवी वाला क्या करता है, अपना एक तार और सेटअप बॉक्स आपके घर पे लगा देता है, बाकी सारा कुछ उसके ऑफिस में रखा होता है, वहीं से कम्युनिकेट होता है, वहीं से सारा चीज़ सिग्नल जनरेट होता है। तो जिस तरह से होता है हमारा ISP जो होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपके घर में ला के एक तार डाल देता है, एक राउटर लगा देता है, आपका इंटरनेट एक्सेस होने लगता है। तो ये सब हमारे ब्रॉडबैंड्स होते हैं, यानी कि जो कम्युनिकेशन इंटरनेट से कम्युनिकेशन, या ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन, या केबल टीवी कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास जो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, उसको हम लोग ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। अब हमारा एक आता है ब्राउजर। काफ़ी लोग, यानी कि हम में से सारे लोग ब्राउजर का यूज करते हैं। अब हम ब्राउजर को एक सिंपल शब्द में बोलेंगे, अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर डैट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट विद द इंटरनेट। ब्राउजर हम वैसे सॉफ्टवेयर को बोलेंगे जो हमें इंटरनेट से कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है, यानी कि इंटरनेट को एक्सेस कराने में हमारा मदद करता है। क्या हम बिना ब्राउजर के इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कर पाएंगे। बिना ब्राउजर के हम इंटरनेट को एक्सेस कर ही नहीं सकते हैं। हमेशा इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आपके पास एक ब्राउजर होना अनिवार्य है। अब ब्राउजर हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, वेब ब्राउजर कौन कौन से हो सकते हैं? हमारे पास कुछ सर्टेन ब्राउजर्स हैं, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर, और हमारे पास एप्पल का एक ब्राउज़र है जिसको हम लोग सफारी ब्राउज़र बोलते हैं, ठीक है। आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी बहुत सारे ब्राउज़र हैं, यूसी ब्राउज़र हैं, और भी बहुत सारे ब्राउज़र्स आपके मोबाइल फ़ोन्स में भी हैं, ठीक है। अगला जो हमारा है कैश। कैश क्या होता है? अब कैश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैन यू डाउनलोड अ वेब पेज, यानी कि आप डाउनलोड करने का मतलब आप डाउनलोड ही नहीं, पढ़ते भी हैं, ठीक है, वेब पेज, द डेटा इज कैश, मीनिंग इट इज़ टेम्पोरली स्टोर ऑन योर कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन। यहाँ मैंने मोबाइल फ़ोन लिखना मैं भूल गया, मोबाइल फ़ोन में ही आप पढ़ रहे हो किसी भी चीज़, विकीपीडिया से मान लेते हैं आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, तो वो जो डेटा जो पढ़ रहे हैं आपके कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में, वो टेम्पोरली स्टोर हो जाता है किसी न किसी लोकेशन पर, उस लोकेशन को हम लोग कैश मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट टाइम यू वॉन्ट दैट पेज इंसर्टेड ऑफ रिक्वेस्टिंग द फाइल फ्रॉम द वेब सर्वर, योर वेब ब्राउजर जस्ट एक्सेस फ्रॉम द कैश। अगर मान लेते हैं जैसे कि अभी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, अभी मैं सर्च किया हूँ व्हाट इज कंप्यूटर, मैं अभी सर्च किया, तो हमारा जो डेटा है व्हाट इज कंप्यूटर का, वो हमारे कैश मेमोरी में जाके सेव हो जाएगा। अब मैंने वो चीज़ बंद कर दिया, फिर अगेन मैं जैसे ही सर्च करूँगा तुरंत मुझे वो एक्सेस देगा, लेकिन पहली बार जब मैं वो सर्च करूँगा उसको एक्सेस होने में थोड़ा सा समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? क्योंकि हमारे कैश मेमोरी में वो डेटा स्टोर्ड नहीं है, लेकिन अब जाके हमारा डेटा कैश मेमोरी में स्टोर हो चुका है, तो आसानी से हमें ये दिखा रहा है, ठीक है।
इस तरह से हम इसको कैश मेमोरी भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग हटा कैसे सकते हैं? ऐसे आप बोलेंगे कि बहुत सारा डेटा हमारे पास है, हम लोग दिन भर तो बहुत चीज़ पढ़ते रहे लिखते हैं, हमारा कैश मेमोरी से डेटा हटेगा कैसे? जैसे ही हम लोग रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र को या अपने सिस्टम को, तो हमारा कैश मेमोरी रिलीज हो जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। कैड जो हमारा है, कैड क्या होता है अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कि एक डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी है। आप सब बहुत सारे देख रहे होंगे, इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट को देख रहे होंगे जो नक्शा वगैरह बनाते हैं, आपके घर का नक्शा बनाते हैं, रोड का नक्शा बनाते हैं, ये सब चीज़ों बनाते हैं। तो ये हमारा एक डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी है जिसको हम लोग कैड बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग ऑटो कैड भी बोलते हैं इसको। इसमें हमको दो तरह के वर्जन मिलते हैं, दो तरह के सपोर्ट मिलते हैं, 2D या 3D, दो मेथडोलॉजी हैं। ठीक है, दो मेथड से हम लोग वहाँ डिजाइनिंग कर सकते हैं, या तो हमारा डिजाइनिंग 2D में होगा या तो 3D में होगा। 2D और 3D आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है चिप। चिप नॉर्मल लैंग्वेज है हमारा चिप, जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग बोले तो प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर हम लोग इसको बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर इन टर्म हम लोग बोल सकते हैं कि CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU के अंदर में जो हमारा एक चिप लगा होता है उसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम बोलें तो हमारे कंप्यूटर को रन कराने का पूरा पूरा जिम्मेवारी हमारे चिप यानी कि माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर होता है। जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जो भी ऑपरेशन होते हैं, हमारे माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ही होते हैं। तो चिप हमारा एक नॉर्मल लैंग्वेज है, इसका अगर एडवांस लैंग्वेज या कंप्यूटर साइंस के लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलें तो माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे हमेशा। चिप हम लोगों का लैंग्वेज नहीं है, चिप हम लोग आम बोलचाल के भाषा में हम लोग चिप का बोलते हैं। ठीक है, लेकिन उसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे। ठीक है, अब हमारा आता है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके सब कुछ सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू।